मैंने सिर्फ बात करी और ये भी मुझे सिर्फ दो मिनट के लिए आपसे बात करनी। यार बात तो करने दो ना मुझे, भाई जानती है वो मुझे यार। देखिए मुझे दो मिनट के लिए, अबे भाई मुझे बात तो करने दो यार, सिर्फ बहुत जरूरी मुझे बात करनी। मैं देखिए मैडम जी, सिर्फ दो दिन रह गए हैं मेरी जमानत, आपने वादा किया था कि मुझे इस केस से निकलवाने के लिए। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। देखिए मैडम जी, मैं आपके बड़े काम का आदमी हूँ, सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा, मैं आपको गुलाम बन के रहूंगा। मुझे देर हो रही है। देखिए मैडम जी, देखिए खबर मीडिया में दे दूंगा। मैडम जी मैंने बात करने तो बहुत जरूरी बात। मैडम जी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यार, बात करने दो यार। जी बेटा, ये शीदा बार बार ऑफिस आ रहा है, जमानत का कह रहा है। बेटा किसी सूरत उसकी जमानत एक्सटेंड नहीं करें, क्योंकि हमारी जानिब से ये बात फैल रही है कि हम औरतों पे कजा फेंकने वालों की पुश्त पनाही करते हैं। और इससे पता है क्या होगा, हमारी साख पे, हमारे करियर पे, हमारी सियासत पे बुरा असर पड़ सकता है। वो मीडिया में जाने की बात कर रहा है, कह रहा है कोई ब्रेकिंग न्यूज है जो वो बता देगा सबको। बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सिर्फ पैसे लेने के बहाने और बस। अगर उसको सजा होती है तो हो जाने दो। इतनी देर हो गई, अभी तक तुमसे डस्टिंग नहीं हुई, और ये टीवी किसकी इजाजत से चलाया है? क्या हो गया, टीवी तो देखा है, कोई चोरी तो नहीं की ना, और साथ साथ काम भी तो कर रही थी। अच्छा आगे से जुबान चलाती हो, कितने दिनों से मैं तुम्हें देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। क्या देख रही है, क्या समझ रही है? और आप ज्यादा ना मेरी अम्मा बनने की कोशिश ना करें, जबिल मासी आप अपनी औकात में रहें। क्या कहा, तू मुझे मेरी औकात बताएगी? तू खुद क्या है, अपनी औकात और हैसियत देख, उसके बाद मुझे ताना दे। मेरी हैसियत चाहे जो भी है, कम से कम मैं आपको जवाब देने की जिम्मेदार नहीं हूँ। और सारा सारा दिन मुझ पर नजर रख के क्या बताना चाहती हैं आप? मैं मालकानी साहिबा के लिए काम करती हूँ जमीला मासी, आपके लिए नहीं, आपकी मुलाजिम नहीं हूँ। बाहर निकल आए लड़की के,